हेलो गाइस दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम बॉटनी सेमेस्टर फिफ्थ का फर्स्ट यूनिट का सब यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपको सभी के सभी सेल ऑर्गेनलीस के बारे में स्टडी करनी है तो जिसमें जो कि आपके कोर्स में पांच साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीस दिए हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया गॉलगी बॉडीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स तो वन बाय वन हम इन सभी को स्टडी करेंगे तो आज का जो सेल ऑर्गेनली हम पढ़ेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्लोरोप्लास्ट हमें पता है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं प्लांट के सेल में ठीक है प्लांट के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट है दे आर सेल्फ़ डुप्लीकेटिंग सेलुलर ऑर्गेनलीज वेर द कंप्लीट फोटोसिंथेसिस आकर सेल्फ डुप्लीकेटिंग का मतलब हो गया ये खुद से अपनी और जो कॉपीज़ हैं अपने जैसे और बनाने की जो प्रक्रिया है वो ये खुद ब खुद करते हैं ठीक है दे एग्जिबिट अ सर्टन डिग्री ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी इनके अंदर फंक्शनल ऑटोनॉमी होती है मीन्स इनको हम ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं क्योंकि ये खुद ब खुद जो अपना जेनेटिक मटीरियल है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है दे अंडर को डिवीजन में जाते हैं और इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल अपना पहले से प्रेजेंट होता है इनको न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है ये खुद से जो है अपनी कॉपीज बना सकते हैं ठीक है फॉर दिस रीज़न शिकफ शिकिफ नाम का साइंटिस्ट है 1982 में इसने बोला कि क्लोरोप्लास्ट वॉज वंस एन इंडिपेंडेंट सेल विच वॉज टेकन इन टू द इंटीरियर ऑफ ए सेल एज एन एंडोसिम्बियॉन्ट शिफ ने ये कहा कि क्लोरोप्लास्ट एक इंडिपेंडेंट सेल एक्ट कर सकता है जब हम इसको किसी अदर सेल में रखेंगे ठीक है ठीक है एंडोसिम्ब्योंट का मतलब क्या होता है सेल के किसी चीज के अंदर रहना एंडो इंटीरियर ठीक है तो एंडोसिम्ब्योंट अगर हम इसको रखेंगे तो ये एक सेल की तरह काम करेगा ठीक है अब क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन की बात करते हैं इट लाइज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट एक्सेप्ट ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स कौन से हो गए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल कौन सा है प्रोकैरियोटिक सेल है और ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया वो अपना न्यूट्रिशन खुद करते हैं ठीक है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई है ना यूजुअली दे आर फाउंड इन द मीजोफिल एंड पैलिसेड सेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म स्टेरिटोफाइट एंड वेजिटेटिव ग्रीन सेल्स ऑफ लोअर प्लांट्स अब जो लीफ के सेल्स होते हैं लीफ के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं मीजोफिल सेल्स एंड पैलीसेड सेल्स मीजोफिल्स और पैलीसेड सेल्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं किन किन के एनजियोसपम जिम्नोस्पर्म, टाइटोफर्ट्स ये सब आप जानते हो एनजियोस्पम्स और अदर वेस्कुलर प्लांट्स जितने भी हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट यूजली तो डिस्कवाइडल एलिप्सॉइडल और बायकनवेक्स लेंस शेप का प्रजेंट होता है लेकिन एलगल मैम्बर्स में जितनी भी हम एलगीज देखते हैं हम देखते हैं एलगी के अंदर भी क्या है क्लोरोप्लास्ट प्रजेंट है इसी वजह से उनका डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलता है रेड ग्रीन एलगी सॉरी रेड एलगी ब्लू ग्रीन एलगी गोल्डन एलगी ब्राउन एलगी येल्लो एलगी तो कितनी डाइवर्स रेंज है इन एल्गीस की तो वहाँ पर इनकी जो साइज और शेप है वो क्या करता है वेरी करता है अगर हम बात करें स्पायरोगायरा में स्पायरोगायरा में ये स्पाइरल शेप का होता है यूलोट्रिक्स में बात करें तो ये कॉलर शेप का होता है स्पायरोगायरा गायरा अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे पायरोरा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है और अंदर रिबन लाइक स्पाइरल शेप ऐसे क्या होती है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है स्टार शेप होता है जैग्नीमा में बेल शेप आपको कॉलरा में मिलेगा क्लोरेला में और रेटिकुलेट शेप आपको ओडोगोनियम में मिलेगी ठीक है कुछ कुछ शेप्स याद रखनी है सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद जो साइज़ है क्लोरोप्लास्ट का प्लांट टू प्लांट वेरी करता है हायर प्लांट्स के अंदर फोर टू टेन माइक्रोन इन डायमीटर एंड थिकनेस रहती है वन से थ्री माइक्रोन ठीक है समटाइम्स देयर साइज़ में बी जेनेटिकली कंट्रोल और मे डिपेंड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर एग्जांपल जो क्लोरोप्लास्ट है शेड सेल की शेड प्लांट की जो ऐसे प्लांट जो शेड में रहते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट का साइज़ बड़ा होगा एज कंपेयर टू दोज फाउंड इन प्लांट्स विच आर ग्रोन इन सन लाइट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वहाँ पर जो साइज़ है इस क्लोरोप्लास्ट का वो छोटा होगा ठीक है क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो जा रही है और जो शेड प्लांट्स हैं वहाँ पर इनका साइज़ बड़ा होगा ठीक है ये था इंट्रोडक्शन केमिकल अगर हम बात करें कि कौन कौन से केमिकल इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे तो हम बात करें फिफ्टी परसेंट वाटर है ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रोटीन है 15 परसेंट लिपिड्स हैं 10 परसेंट पिगमेंट्स हैं ठीक है आई थिंक आपको इतना ही सफिशियंट है याद करने के लिए क्योंकि पेपर में आप ये नहीं लिख याद रख सकते कि प्रोटीन्स कितना था फिफ्टी से सिक्सटी जिसको याद रह सकता है वो पढ़ ले, लेकिन मेजर आपको लिखना है एक फ्रेश क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिफ्टी परसेंट वाटर ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रोटीन्स फिफ्टीन परसेंट लिपिड्स एंड टेन परसेंट पिगमेंट्स ठीक है अब जो प्रोटीन फ्रैक्शन है ये आप लिख सकते हो जो प्रोटीन फ्रैक्शन है क्लोरोप्लास्ट की वो किस क्या कौन कौन से उसमें आयंस होते हैं मैंगनीस हैं आयरन है और कॉपर एटम्स हैं ठीक है ये सारे सारे प्रोटीन फ्रैक्शन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं अब आ गया स्ट्रक्चर जो एक क्लोरोप्लास्ट होती है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं पूरी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसी है वो हम पढ़ेंगे इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स तीन पार्ट्स हैं इसके सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट एनवलप है इसको हम कवरिंग बोलते हैं स्ट्रोमा रीजन है और थाइलोकॉइड्स है आपने ट्वेल्थ में भी इलेवेंथ में भी इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट एनवलप होती है कवरिंग उसके बाद स्ट्रोमा रीजन होता है और उसके अंदर क्या होते हैं थाइलॉकॉयड्स होते हैं जिनको लैम्बी लेबी बोलते हैं तो वन बाय वन हम इसके स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है क्लोरोप्लास्ट एनवलप अब जितने भी क्लोरोप्लास्ट है हायर प्लांट्स के आर बाउंडेड बाय अ कंटिन्यूस डबल मेम्ब्रेन सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि इसके अंदर डबल लेयर मेम्ब्रेन है दो लेयर की मेम्ब्रेन है जिसमें टू लेयर्स हैं ठीक है सेलेक्टिव बैरियर है जितने भी सेल के सेल के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए होंगी जिनको हम सेलुलर मेटाबोलाइट्स बोलते हैं उनकी मूवमेंट करवाती है सेलेक्टिवली मूवमेंट करवाती है इनसाइड और आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट ठीक है अब हर मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट की जो एनवलप हमने बोली क्लोरोप्लास्ट की एनवलप में टू मैम्ब्रेन हैं हर एक मैम्ब्रेन एक यूनिट मैम्ब्रेन है ठीक है मीन्स जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी वही ये भी मेम्ब्रेन है जो जैसी उसमें स्ट्रक्चर था जैसी उसमें चीज़ें थी वैसे इसमें भी रहेंगी ठीक है अब इसके बाद ये कुछ यूनिट्स लिखे हैं थिकनेस इतनी है ये वगैरह वगैरह इसके बाद हम देखेंगे कि जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको स्टडी किया हर यूनिट मेम्ब्रेन हमें क्या से दिखी ईच यूनिट मेम्ब्रेन सीम्स टू बी डबल डबल लेबल लेयर ऑफ लिपिड इसमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ ट्रांसवर्सली एंड लेटरली ट्रांसवर्सली और लेटरली दोनों दोनों तरफ कैसे थे जो लिपिड्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट थे ठीक है इसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन्स थे एम्बेडेड लिपिड बायलेयर में जिनको हमने इंट्रीग्रल और इंट्रेंसिक प्रोटीन्स बोला कुछ प्रोटीन सरफेस पे अटैच थे एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स का नाम बोल देते हैं हम उनको क्लोरोप्लास्ट एनवलप के अंदर कुछ कैरोटीनाइड्स थे जो कि हमें येलो येलो कलर के अपेयर हुए कुछ स्टीरोल्स भी प्रेजेंट थे क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में और ये सेलेक्टिवलीफी डिफ्रेंशली परमिएबल है बट हैविंग नो परफोरेशंस इसके अंदर परफोरेशंस नहीं है पोड्स नहीं है इसके अंदर ठीक है ये था एनवलप जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है ठीक है इसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर आता है एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो है क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा नो क्लोरोप्लास्ट जो भी एनवलप है वो एक लिक्विड प्रोटेनिशियस मैट्रिक्स को एनक्लोज करती है ठीक है जैसे मैंने ये बनाया एनवलप बनाई क्लोरोप्लास्ट की इसके अंदर जितना भी ये सारा मटेरियल होगा ब्लैक ब्लैक से मैं बना रहा हूँ तो ये सारा का सारा जो मैट्रिक्स है ये सारा का सारा किस नाम से जाना जाएगा के किसके नाम से जाना जाएगा स्ट्रोमा के नाम से इन एडिशन टू इंटरनल लैमिनर सिस्टम वहां पर राइबोसोम्स होंगे स्ट्रैंड्स ऑफ क्लोरोप्लास्टिक डीएनए होगा और आरएनए होंगे इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन राइबोसोम्स देयर ओन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्टिक डीएनए एंड आर डीएनए इसका सर्कुलर होता है आपने डीएनए इसका पढ़ना भी है ठीक है शेप इसकी कैसी होती है सर्कुलर होती है क्योंकि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं ठीक है ड्यू टू तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल राइबोसोम्स द क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैपेबल होता है सेल्फ रेगुलेशन के लिए एंड रेप्लीकेशन के लिए वो हर एक चीज़ को खुद से रेगुलेट करता है और जो रेप्लीकेशन है वो भी वो खुद करता है इसीलिए हमने इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनोली बोला वही लिखा आगे जितना भी होल लिक्विड मैट्रिक्स है या मीडियम है स्ट्रोमा का वो हाईलिन स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेंस होता है ग्रैनुलर मैट्रिक्स है और इसके अंदर जितने भी इंजाइम्स चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो सारे के सारे इंजाइम्स इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा वाला रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट है इसके अंदर कुछ हमें इलिप्सॉइडल स्टार्च ग्रेन्स भी देखने को मिलते हैं अब अगर हम बात करें जब हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमने वहाँ पर एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था पायरीनाइड्स क्या पढ़ा था पायरीनाइड्स जो एल्गल क्लोरोप्लास्ट होती है उसके अंदर पायरीनाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है उस्रोमा के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं उसके बाद है कुछ सॉल्ट्स हैं इसके अंदर ऑस्मियम सॉल्ट्स हैं ठीक है और आई uh, थिंक ये सफिशेंट है इसके बाद आपने लाइन लास्ट में जरूर लिखनी है कि स्ट्रोमा जो है वो क्या है इट इज़ अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटो सिंथसिस ठीक है अब जो फोटो सिंथिस होती है वो दो फेजिज़ में होती है लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन ठीक है जो डार्क रिएक्शन होती है जब लाइट नहीं होती यहाँ बोल हम ये बोल सकते हैं कि जब क्लोरोप्लास्ट एक्टिव हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाती है उसके बाद जब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और रिडक्शन से वो क्या बनती है ग्लूकोज बनता है वो जो सारा फेजिज वो जो सारी जो रिएक्शन है वो सारी स्ट्रोमा रीजन में होती है इट इज़ द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस तो अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है थर्ड वो है क्लोरोप्लास्ट लेमिले जिनको हम थैलोकॉल्ड्स भी बोलते हैं अब हुआ क्या मेयर नाम का साइंटिस्ट था इन 1883 में फ़र्स्ट टाइम इसने रिपोर्ट किया कि जो आपका स्ट्रोमा रीजन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उस स्ट्रोमा रीजन के अंदर डिस्क शेप ग्रीन ग्रीन बॉडीज़ मिली उसको ठीक है और ग्रीन बॉडीज को उसने क्या नाम दिया ही नेम डेम ग्रेना ठीक है ग्रेना उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब हुई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया उसने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को रिवॉल्व किया बताया कि लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटनड सैक्स फ्लैटन सैक्स बिल्कुल फ्लैट फ्लैट सैकलैग स्ट्रक्चर सेकल लेग क्यों बोला क्योंकि वो भी मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं या फिर इनको लैमिले बोला क्या बोला लैमिले ये लार्ज नंबर में मैमब्रेन बाउंड फ्लैटन सैक्स या फिर लैमिले अम्बीडिड है इस ग्रैन्युलर मैट्रिक्स में इस स्ट्रोमा के अंदर जो मैंने ऐसे बनाया इस, इस तरह से ये रीजन पूरा स्ट्रोमा इस स्ट्रोमा रीजन के अंदर एक फ्लैटन सैक्स क्या है अम्बीटी ने इस तरह से ठीक है हाँ अब इसने उनको क्या नाम दिया ग्रैना क्या नाम दिया है ग्रैना ग्रैना नाम किसने दिया मेयर ने 1883 में अब दूसरा साइंटिस्ट आया मैनके मैनके ने 1962 में इन सैक्स को जो लैमिले की तरह दिखते थे उनको उसने नाम दिया थाइड्स क्या नाम दिया था तो अगर आपको कोई पूछता है थाइलोकॉइड टर्म किसने दिया थाकोइड नाम किसने दिया वो दिया मैन के ने नाइनटीन में अब जो वो जो ग्रैना था ग्रैना का जो स्टैक था उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा थाइलाकॉइड्स थे क्या थे थाइलाकॉइड्स थे और वो किस में पड़े हुए थे पाइल्स में ढेर में ढेर में ठीक है जो पूरा स्टैक होता है उसको ग्रहना बोलते हैं और उस ग्रहना क्या होते हैं होते हैं इस तरह से ठीक है और हर एक थाइड एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर था एक प्लेट की तरह ठीक है एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर था जिसकी, जिसका डायमीटर फाइव थाउजेंड एंगस्ट्रॉन्ग था और वन सिक्सटी एंगस्ट्रॉन्ग उसकी थिकनेस थी ठीक है अब ये जो ग्रैना स्टैक्स थे बड़े सारे ग्रैना स्टैक्स थे उस मैट्रिक्स के अंदर उस ग्रैनुलर मैट्रिक्स के अंदर ग्रैनुलर मैट्रिक्स हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन होता है और वहाँ पर बड़े सारे इंजाइम्स होते हैं तो उस ग्रैनुलर मैट्रिक्स उस स्ट्रोमा के अंदर वो जो ग्रैना स्टैक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं जैसे मैंने बनाया एक स्टैक मैंने इधर बनाया एक स्टैक मैंने इधर बनाया और एक स्टैक मैंने इधर बना दिया ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या हैं इंटर कनेक्टेड भी हैं एक स्टैक हम इधर बना देते हैं मैं डायग्राम से सारा क्लियर करूँगा एक स्टैक हम इधर बना देते हैं तो इस सारे के सारे स्टैक्स एक दूसरे से क्या हैं कनेक्टेड हैं और जिससे कनेक्टेड है इनको बोलते हैं फ्रेट चैनल्स इन सभी को क्या बोलेंगे फ्रेट चैनल एफसी फ्रेट चैनल्स या फिर स्ट्रोमा लेमिले क्या बोलेंगे हम इनको स्ट्रोमा लैमिले या फिर फ्रेट चैनल्स ठीक है और इसके बाद अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि जो वीडियो है उस उसकी ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है ये आपका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का दो मेम्ब्रेन्स आपको दिख रही हैं बीच में स्ट्रोमा रीजन दिख रहा है और आपको स्टैक्स दिख रहे हैं किसके थाइलाकॉइड्स के और उनके अंदर क्या है स्ट्रोमा लैमिले येलो येलो कलर के कनेक्टेड हैं ये वाले ये क्या है स्टैक्स और ये येलो येलो कलर के क्या है फ्रेड चैनल्स ठीक है ये इसको पूरे को क्या बोला गया ग्रैनम एक को क्या बोला गया ग्रैनम और ये पूरा का पूरा स्टैक है इनका का ठीक है तो ये किसका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का आप इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर बना भी सकते हो वीडियो को पॉज करके इसके बाद जो हमने आपको सेट चैनल्स बताए उनको हम इंटर ग्रैनम लेमिलर लेमिले भी बोलते हैं क्योंकि वो दो ग्रहना के बीच में होते हैं और ये चैनल एक्ट करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक सबस्ट्रेट्स उनकी क्या करवाते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं इसके बाद एक चीज़ है वेयर और बैंसन नाम के साइंटिस्ट ने 1967 में डिस्क्राइब किया थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स को जो थाइलाकाइड के ऊपर मेम्ब्रेन होती है उसको बोला एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है क्या है सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन और जब ये दो दो इस तरह की दो यूनिट मेम्ब्रेन आती हैं तो वो टाइटली अप्रेस्ड होते हैं दूसरे तो से बिल्कुल जुड़े होते हैं विद वन एन अदर एज इन ग्रैनम जब हम, हम ग्रैनम में देख रहे हैं कि जो मैम्ब्रेन हैं वो कैसी हैं कुछ नीचे के अंदर की तरफ आ गई कुछ बाहर की तरफ है ये अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये जो मेम्ब्रेन होगी ये देखो कुछ अंदर की तरफ है कुछ बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है तो कुछ अप्रेस्ड हैं कुछ सप्रेस कुछ बाहर की तरफ है कुछ अंदर की तरफ है तो इस तरह की जब दो मेम्ब्रेन आ जाते हैं वो टाइटली अप्रेस्ड होती हैं विद ईच अदर एज इन ग्रैनम और इनको हम बोलते हैं पार्टीशन क्या बोलते हैं पार्टीशन और उसके बाद जो पूरी की पूरी स्पेस एनक्लोज की है थैलाकॉयड ने उसको लॉक्यूल्स बोलते हैं एंड द पोर्शन जो है हर थैलाकॉइड का जो स्ट्रोमा रीजन की तरफ है उसको मार्जिन बोलते हैं तो आई थिंक ये ज़्यादा हो गया है तो आपने इसका बेसिक बेसिक पूरी इन, पूरी नॉलेज लेनी है क्योंकि आप एग्ज़ाम में इतना लिख नहीं पाओगे टाइम की कमी होती है इसके बाद कुछ इसके फंक्शंस हैं ठीक है फंक्शंस भी स्टड डिस्कस कर लेते हैं आई मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है लेकिन क्या करें कंप्लीट तो करना है फंक्शन क्या हो क्लोरोप्लास्ट आर सबसे लो साइड्स ऑफ सबसे पहले इसमें फोटोसिंथेसिस होती है ये रिएक्शन आपने टेंथ में पढ़ी होगी ठीक है इसके बाद फोटोलिसिस सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है उसका फोटोलिसिस होती है फोटोलिसिस लाइट की मदद से होती है इसलिए हमने इसको फोटोलिसिस बोला है एन की रिडक्शन होती है एन ए टू बनता है और जो किस में होती है ग्रहनम में ये सारी की सारी कहाँ होती है ग्रहनम में उसके बाद फोटोफासफो आपने ये पढ़ा होगा फोटोफासफो सेमिस्टर फोर्थ में साइटोक्रोम बी सिक्स एफ प्लास्ट्रोसाइनिन इनके थ्रू होती है उसमें क्लोरिप्लास्ट क्या स्टोर करके रखता है फैट को स्टोर करके रखता है इंडिफॉर्म ऑफ प्लास्ट्रोग्लोब्युलाई और ये मेंटेन करके रखता है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथसिस तो ये था आपका पूरा होल टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ़ क्लोरोप्लास्ट आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक की समझ आई होगी अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में जो क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हो और थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच